जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर, ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकालना चाहिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार, उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर जल को झेल कर लिया है। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप पांच सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है? फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री धतूरा दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर। महाराज घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही किसी कारणवश, कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। महाराज उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, महाराज किसी भी पांच प्रदोष या पांच सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। पांच प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे,
और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको एक प्रदोष दो प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा, कैसे ही लगाएगा। अति प्रिय बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती, जम्मा जगत जननी जगदम्बा। आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्त सती से यज्ञ हो चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता, बेल का जो गुर्दा होता है उस गुर्दे की जो भस्म तैयार कर जाती है उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे देसी गाय का घी हो, कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सरे, तुम तो वहां आग लगा दो, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे, हो जाए। बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर, उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ है, स्वयं पार्वती माँ तुम्हारे साथ है। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर, चपटी भवूत में है खजाना, शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को विश्वास के साथ जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।